तो गाइस ये कचरी है और ये अभी पकी हुई है। आपने ऐसी बाजार में कभी ऐसी कचरी नहीं खाई होगी, ये बस कुएं पे ही मिलती है। तो अभी हम आपको ये धो के टेस्ट करके दिखाएंगे। और भी लगी हुई है शोरी, ये कचरी दिखाओ कहाँ कहाँ लगी हुई है। ये भी, ये तो कच्ची है, भी है ना जी, कच्ची की और पकी हुई की क्या पहचान है, कैसे पता लगता है पक गई है। जब ये खाने के लायक हो जाती है ना तब ऐसी येलो कलर होता और कच्ची हो तब हरी रहती है, ग्रीन है ना रहती है, ग्रीन। तो इसलिए पता लग जाता है आपको कि ये पक गई है ना, तभी आपने ये वाली ली है। कैसा टेस्ट आ रहा है शोरी? नींबू जैसा खट्टी खट्टी है और मजे आ रहे हैं। तो शोरी आपके खेत में कितनी सारी कचरी लगी होंगी अभी, ये ऐसे कितने पेड़ होंगे, बहुत सारे? One, ये लगाने पड़ते हैं या अपने आप लग जाते हैं? अपने आप लग जाते हैं। अपने आप खेत में 1, 2, 3 लग गया अभी, इसमें 3 लगे हैं। ऐसे बहुत सारी कचरी की बेल लगी हुई है भाई, ग्वार में, बाजरे के पेड़ में, ग्वार बाजरे में अपने आप लग जाती है कचरी, है ना। तो शोरी ये कचरी का आनंद लेते हुए है ना, खाइए खाइए शोरी। इसके अंदर ये बीज निकलता है, मजे आते हैं। इनके अंदर ये बीज निकलते हैं, इनको खाना पड़ता है। ऐसे खाओ कि ऐसे खाओ, आपको बीज तो निकालने हो, बीज तो ले जाने होंगे पेट में। ओके, तो कचरी खाने से क्या होता है वैसे, क्या फायदा है? पावरफुल बनती है। पावरफुल होती है, सारी चीजें पावरफुल होती हैं, आप तो बता रहे हो खेत में लगी हुई सारी चीजें पावरफुल ही होती है। ओके, क्योंकि इनमें ये फर्क है, वेजिटेबल्स लगी हुई है ना, तो वेजिटेबल हमें ताकत देती है, तो ये भी फ्रूट है तो इसको ताकत देती है, और फ्रूट भी हमें ताकत देता है, ये फर्क है। ओके, थैंक यू और बाय कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।